आगर मालवा जिले में विवाद के बाद एक पति द्वारा अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर जलाकर खाक करने का मामला सामने आया है। एसपी राकेश सगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के ग्राम ढेरोला में करीब 36 वर्षीय सीमा को विवाद के बाद पति ने जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत के बाद पति ने साक्ष्य छुपाने के लिए घर के समीप खेत में उसे जलाकर खाक कर दिया। देर शाम ग्रामीणों को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर SRDOP पल्लवी शुक्ला नालखेड़ा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर महिला जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस द्वारा घटनास्थल से अवशेष इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी पति मोहन भिलाला को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। एसपी के अनुसार मामले में जब्त किए अवशेषों की डीएनए सहित साइंटिफिक जाँच कराई जाएगी। साथ ही यह भी बताया कि दोनों पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। शनिवार को भी खेत पर दोनों में विवाद हो गया तो पति ने महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी। जब महिला की मौत हो गई तो साक्ष्य छुपाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ियां लेकर उसे जला दिया। आगर मालवा से धिरापा हांडा की रिपोर्ट। इसके बाद मैंने वह गांव के घनश्याम पिता नारायण है। उन्हें खुद ने लकड़ी जमा डी। ऐसे क्या कंट्रोल बहुत खतरनाक है। सर, धरोला में कल एक घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? धरोला में कल ये घटना घटी है कि मोहन सिंह भिलाला ने अपनी पत्नी सीमा की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसने उसके शव को वहीं लकड़ी में जला दिया। तो ये घटनाक्रम दिन के करीबन 2 बजे से 7 बजे के बीच हुआ। पुलिस को सूचना मिली रात को 10 बजे, तो पुलिस नलखेड़ा के द्वारा SDOP सुसनेर और TI नलखेड़ा वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर देखा तो मृतका जली हुई थी, तो उसमें राख वहाँ से जब्त की है। साथ में आरोपी को भी अपने कब्जे में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। और इसमें ये पता लगा घटनाक्रम में कि पत्नी के बीच में काफ़ी समय से कुछ आपस में जो है कुछ घटनाओं को लेकर मतभेद चल रहे थे और उसी के पड़ने से जो है ये घटना घटी है। सर, आरोपी को पकड़ा लिया? हाँ, आरोपी की पूछताछ करके आज हम लोग उसकी गिरफ्तारी करेंगे और इसके बाद फिर ये चूंकि इस घटनाक्रम में बाकी जो साइंटिफिक एविडेंस है इसमें हम DNA प्रोफाइलिंग और बाकी चीज़ें करेंगे ताकि ये प्रकरण को जो है माननीय न्यायालय में जो है इसमें सफलतापूर्वक इसमें कार्रवाई की जा सके।